कि वह काउंटिंग भी नहीं कर सकते, पर माफ करना उन्होंने पले संगत नहीं है। यह संगत उत्तम भागा की निशानी है। सो गुरु प्यारे, जेकर सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की है, सच्चे पातशाह के चरणों से आए हैं, मैं बेनती करा कि सच्चे पातशाह के चरणों से असी हाथ जोड़ के कह दें, सच्चे पातशाह जी, सच्चे पातशाह जी, माफ करना, गुरु सच्चा है, पातशाह सच्चा है, पर कितने गुरु के चरणों से आके मंग भी सच्ची करनी शुरू कर दे। मंगा मंगनिया भी जी मंगनिया ने ना, सच्चिया मंगा मंगनिया शुरू कर दौ। तुम कहते हो मैं घर चाहिए, तो गुरु कहता वो घर मैं बड़िया लोगों दिते, की होया भूचाल आया, वो घर ढह ढेरी हो गया, परिवार में सत्ता सी, परिवार सारा मर गया। ये चीज़ा मंगते हैं आप। असं कहते हैं गुरु सानू गड्डी चाहिए है, गुरु कहता मैं गड्डी बड़िया दिती, पर किसी ने गड्डिया भी सुख नहीं लभ्या। सो गुरु प्यारे, जेकर सुख मिलना है तो अज जेकर सच्चे पातशाह जी के कोल आए या सच्चा गुरु कह रहे हैं, तो ये अरदास बेनती करो कि सानू सच्ची सतसंगत भी मिल जाए। ये अरदास बेनती करनी है। सो आओ, इतना को भी समा सतगुरां ने और अपना गुरु प्यारो लिंदा है, क्योंकि अज आप इतने महान आत्मा, महान रूह, तत्वेते ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सोहन सिंह जी मलाका, उन्होंने सालाना बरसी जो हरेक साल मनाई जाती है, उसके संबंध में इकत्र होए हैं। सो उही विशा रखना जरूरी समझागा मैं कि महापुरखों की वडियाई, महापुरखों के जी महापुरखों के जीवन के नाल संबंधित कुछ विचार यही आप करनिया ने। आओ रसना पवित्र करो, गज बज के सारे बुलाओ जियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत के अनुसार, गुरबाणी के अंदर सतगुरु पातशाह जी ने संत शब्द की गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर बेअंत वार वरतों की है। तो गुरमत के अनुसार जेकर संत पद को समझ की कोशिश करिए कि संत कहते किनू ने, तो सतगुरु पातशाह कहते जे एहसास गिरास ना विसर है, हर नामा मन मंत्र धन से सही नानका, पूर्ण सोई संत। कि जिन्होंने सास गिलास भाव अठे पै चौबी घंटिया के एक छिन भी परमेश्वर का नाम नहीं भुलता। हम तुम सोचोगे कि चौबी घंटिया के मनुख खाता भी है, चौबी घंटिया के मनुख सौंदा भी है, मनुख अपने कारोबार भी करता है, काम भी करता है, पर उन्होंने उदो टाइम कदों मिलता कि वह परमेश्वर को भुले ना, ऐसा तो मनुख हो ही नहीं सकता। पर नहीं, ये गल्लां साढ़े सोचण तो दूर दियां ने, चार अवस्थावां ने मनुख दियां, जिहनूं आपां बाणी विच कह दिंदे आ, चार बाणियां भी कह दिंदे आ, पैथरी, मतमा, पसंती ते परा। ये चार अवस्थावां ने, चार बाणियां ने। तो जिहड़े महापुरख ने आपां जिहड़े आ आपां जागरत अवस्था विच विचर रहे आ, जदों सौ जांदे सब भुल जांदे आ, पर जिहड़े महापुरख ने वो सो भी जाते हैं, भावें वह सुपने में भी रेंदे ने, तो भावें वह गुड़ी नींद सुते होंगे ने, पर वो विचरते तुरिया अवस्था के विच ने। और तुरिया अवस्था के विच जिहड़ा जाप है, बैतरी मतमा पसंती परा, बैतरी जाप साडी रसना दियाता है, मतमा का जाप साढ़े कंठ में चला जाता है, पसंती जाप साढ़े हिरदे में आ जाता है, तो जो परा जाप के ऐसा रूहां पहुँच जाए ने, फिर गुरु प्यारे सत जाने हो, फिर बाणी का वचन है आठ पहर निकट कर जाता है, ये फिर साधु की अवस्था बन जाती है। गुरमुख के अनुसार जेकर साधु के लक्षणों समझने की कोशिश करिए, तो सहस्कृति के स्लोकों में भी दसे है कि साधु कौन है, मंत्र राम राम नाम त्यार सर्वत्र पूर्ण है, कहते वो साधु है। आप जी ने हमने मुखवा सुनिया कि जह जह पेखो तह हजूर दूर तू ना जाए, राम रहा सर्वत्र मैं सदा त्याई। और ऐसी अवस्था किन्हां दी बनी कि जह जह पेखो तह हजूर, कि असं जिथे वेखते हैं सानू परमेश्वर नजर आता है, सानू परमेश्वर नहीं नजर आता। सत जाने गुरु प्यारे, कई बार आप कह दें कि परमेश्वर दिखता नहीं, माफ करना, बुले का शब्द है, वचन है, कहना बुले आ रब तेथों वक् नहीं,
पर तेरी वेखण वाली अख नहीं गज के आखो सतनाम श्री वह अखा नहीं मिली सानू अजे परमेश्वर वेखण वाली वह नेत्र नहीं मिले सानू ज्ञान के नेत्रां दे नाल परमेश्वर वेख्या जा सकता है इस संसारी चम दिया नेत्रां दे नाल परमेश्वर नहीं वेख्या जा सकता असीं कहिंदे आ परमेश्वर लुकिया पिया है लुकिया दे तां कहिए गुरु पिया नूं कि सारे पासे प्रकट है वह साडे वास्ते लुकिया क्योंकि साडी अवस्था नहीं है उस परमेश्वर नूं वेखण दी और जिहड़े साधु हुंदे ने महापुरख हुंदे ने उहनां दी अवस्था हुंदी है ते भगत नाम देव जी साधु सी ना भगत सी ना अवस्था सी ना उन्हां दी नाम जपदे सी सिमरन करदे सी अभ्यास करदे सी एक वारी कुत्ता उन्हां दी रोटी चक के लै गया रोटी रोटी खाण लगे ते कुत्ता रोटी चक के लै गया ते भगत नाम देव जी ने पिछे पिछे दाल वाला भांडा दाल वाला बर्तन कुत्ते दे पिछे पिछे लैके दौड़ पए कहिंदे हे रब्बा ओए दाल ना रोटी खा ला रुखी रोटी क्यों खाण लगा है गज के आखो सतनाम श्री ते सत जाणे हो कुत्ते विचों भी परमेश्वर प्रकट होया क्योंकि जय जय देखो ता हजूर दूर ना मार्ग दसम पातशाह ने दसम ग्रंथ में लिखे है जलस्तुनी थलस्तुनी नदस्तुनी पदस्तुनी चितस्तुनी गतस्तुनी मतस्तुनी तुही 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 सारे पास लिखे है महाराज ने कि जमीन जमा के क्या समस्त एक जोत है ना काट है ना बाट है ना काट बाट होता है जिवे गुरु प्यारे हो सगल बनस्पत मैं संतर सगल दूध मैं किया हुण दुध दे विच घिओ है नजर ते नहीं ना हुंदा हुण दुध दे विचों घिओ कढ़ना है ते उहदे वास्ते कोई साधन बने है कोई ढंग बने है कोई मैथड बने है उह दुध नूं पहला जाग लाणगीआं माईआं जाग तों बाद उस दुध नूं रिड़किआ जाएगा रिड़क के लस्सी अलग होगी मक्खन अलग होगा उस मक्खन को फिर गर्म किया जाएगा फिर उहदे विचों घिओ निकलता है पर नजर नहीं ना होता घिओ है विच उहदे इसे तरह परमेश्वर भी सारे पासे है उस परमेश्वर नूं प्रकट करन वास्ते भी सानू पहला परमेश्वर दे नाम दे सिमर दे विच ना नाम विच प्रेम दी वधाणी पाणी पैणी है गज कहि आखो सतनाम श्री प्रेम दी वधाणी ते जिहड़ी रस्सी दे नाल आपां फिर मधाणी नूं अजकल तां इलैक्ट्रॉनिक आ गईआं ने माफ करना मैं पुराणी मधाणी दी गल करदा पुराणी मधाणी विच फिर बीबीआं दो गुल्लियां होंदियां सैटां ते खिच्चण वालियां उह गुल्लियां वी चाहीदियां ने उह गुल्लियां चाहीदियां ने शरदा दीआं गुल्लियां शरदा दे डंडे चाहीदे ने प्रेम दी मधाणी चाहीदी है ते उस फिर नाम दे विच जदों शरदा रूपी मधाणी दे नाल प्रेम रूपी मधाणी दे नाल जदों रिड़कोगे ना गुरु प्यारे हो फिर विवेक का ग्यार का घ्यो पैदा हो जाएगा गज के आखो सतनाम श्री वो घ्यो निकलेगा फिर वो ज्ञान का घ्यो निकलेगा तो तुहानू सारे पासे वो परमेश्वर की जोत नजर आ जाएगी ऐसे महापुरुष संत बाबा सोहन सिंह जी मलाका वाले जिन्होंने परमेश्वर की जोत को सारे संसार के देखिया उन्हें सुनिया सी ना ये कल्ले सिखा का भला नहीं होया चीनिया का पता नहीं किन्ने का भला हो गया मलाइया का पता नहीं किन्ने का भला हो गया क्योंकि जी साधु की दृष्टि है वह सम दृष्टि है असी सम दृष्टि नहीं देखते असी कह दें ये दूजे धर्म का है ये दूसरे धर्म का है पर साधु जो बढ़ जाता है संत जो बढ़ जाता है वो वास्ते धर्म कोई नहीं रहता धर्म सब खत्म हो जाता है बस वो वास्ते इको धर्म रह जाता है वह धर्म है इंसानियत का धर्म तो यही इंसानियत का धर्म निभा के संत बाबा सोहन सिंह जी मलाका इस संसार तो गए गुरु प्यारे एक पत्थर है जिन्हों पारस कहा जाता है पारस स्टोन कह लो पत्थर कह लो वो पारस की मट्टी गुरबाणी में भी जिक्र आया पारस का भाई गुरदास जी ने भी बेअंतवार जिक्र किया है पारस का उस पारस की मट्टी पारस का जो स्टोन है पत्थर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜੇਕਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਗੋਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ ਕਾਂਸੀ ਇਹ ਅੱਠੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਹਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਗੋਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਸ ਮੈਂ ਅਰ ਸੰਤ ਮੈਂ ਬੜੋ ਅੰਤਰ ਜਾ ਪਰ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ
कहते पारस मैं हर संत मैं पढ़ो अंतरो जान, क्योंकि पारस वह लोहो कंचन करें। कहते हम पारस दे कोल लोहा आया ते लोहे दे आके पारस की वट्टी नु क्या है, पारस की वट्टी ऐ पारस दा पत्थरा मैनू भी पारस बना दे। गजखिया को सतनाम श्री पारस बना दे। पर वो पारस की वट्टी लोहे नु अपने वर्गा नहीं बना सकती, केवल सोना बना सकती है। पर जेकर कोई संत दे कोल चल के चोर भी आ जाता है, कोई ठग आ जाता है, ते आए सी बाबा बीबी चंद जी चोर ही सी ना, ठगिया ही मारते सी ना, जो पंचम पातशाह के चरणों में आए ने ते चोरियां करते सी ठगिया मारते सी, ते गुरु ने ओ रूप बना दिता। ते अज चेते करदे आ बीबी चंद छीना गुरु का सिंगा प्रेम रंग पींदा कमे ना लिंगा, अज चेते किया जाता है क्योंकि साधु उस अपने वर्गा बना देते। गुरु प्यारे चार तरह की संगत है, नाम है सत संगत, संगत संगत केवल संगत, एक है कुसंगत, ते तीजी है साध संगत, ते चौथी है सत संगत। आप जिथे बैठे हैं ना यह सत संगत है, क्योंकि इतने सत की विचार है, सत की होंद है, सत के जुड़ता उपराला किया जा रहा है। ते साध संगत ते सत संगत दे विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जिथे साधु होगा उत्थे ही सच की गल होगी, जिथे महात्मा होगा जिथे साध संगत है वह सत संगत भी बन जाती है। तो सत जाने गुरु प्यारे हो भगवान राम त्रेते के अवतार, त्रेते के अवतार भगवान राम एक बारी ऋषिया के मुनिया के घर में गए, कुटिया में गए, झोंपड़िया जी बनाई उन्होंने हट दी झोंपड़ी जिम्मे हट बनाते हो ना उन्होंने उत्थे पहुंचे ने। तो भगवान राम ने उन्होंने जाके एक सवाल किया ऋषिया के मुनिया, मैं बेनती करा इस गल ध्यान दे सुनियो जे, जाके भगवान जी ने सवाल किया कि हे ऋषियो हे मुनियो अमृत कित्थे है, अमोरियस नेक्टर अमृत कित्थे है। तो ऋषिया ने अलग अलग जवाब दिते, जिहड़ा संस्कृत भाषा में लिखा गया वचन अवधयो वधो वधु मुख्यम फणी नाम निवासियम केचित वेदांति सुधा सरे नागराज लोकियम, उन्हें लिखिया ऋषिया ने। कोई कहता मैं टीका करने की कोशिश करा, मैं समझाने की कोशिश करा। कोई कहता कि अवधयो कहता कि समुद्र दे विच अमृत है, समुद्र समुद्र विच अमृत क्यों कहा गया, क्योंकि जो समुद्र नूं रिड़किया गया तुसीं सब जानते हो समुद्र नूं रिड़किया गया उहदे विचों 14 रत्न निकले ने, 14 रत्न मैं गिणा देवां तुहानूं, श्री मण रंभा बाणी तनक तनंतर बाज विभू धेर सस कल्पतर संख अमी ते गजराज, यह 14 रत्न जदों समुद्र नूं रिड़किया गया देवत्यां वल्लों ते दैत्यां वल्लों राक्षसां वल्लों 14 रत्न निकले, भाव 14 वस्तुआं निकलियां जिन्हां दे विचों अमृत भी सी। हुण किसी ने कहा कि जिहड़ा अमृत है वह सरोवर समुंदर दे विच, भगवान राम ने यह दलील रद्द कर दित्ती, कहिंदे जे समुंदर दे विच अमृत हुंदा ते समुंदर दा पाणी अज तक किसी की प्यास नहीं बुझा सकिया, क्योंकि समुंदर दा पाणी खारा हुंदा है, वह पाणी नूं कोई पी नहीं सकता। कहते जो अमृत हो पानी किसी की प्यास ना बुझा दे उत्थे अमृत हो नहीं सकता। किसी फिर दूजे ने कहा कि विधो कहते चंद्रमा के अमृत है चंद्रमा, क्योंकि जो पूर्णमासी का पुण्य पूरा चंद आकाश चढ़ता है कहते ठंडिया ठंडिया किरणा शीतल शीतल किरणा के बड़ा आनंद मिलता सुख मिलता है, कहते उत्थे अमृत है, कहते नहीं उत्थे अमृत नहीं हो सकता। कहते क्यों, क्योंकि दसम पिता ने दसम ग्रंथ महाराज जी के लिखा है पर नारी के भजे चंद्र कलंक लगायो, कहते पराई औरत का सिमरन किया चंद्रमा ने ते चंद्रमा नूं सराप मिलिया, अज तक चंद्रमा के अंदर कोड़ का निशान है, कोड़ी है चंद्रमा कोड़ी, उन्हें रोग है एक किहड़ा रोग जिहड़ा कदे खत्म नहीं हो सकता, ऐसा रोग लग्या चंद्रमा नूं। अज तुसीं जदों चंद्रमा पूरा चढ़िया देखते हो ना उहदे विच काला निशान भी हुंदा है, वह निशान कोड़ का निशान भाव नूं कोड़ी है रोग लगे हुआ। तो कहते जिथे अमृत हो रोग हो ही नहीं सकता, इस करके चंद्रमा के अमृत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि धरती के अमृत है, हम कई कहते हैं जो धरती के अमृत
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਸਨੇਕ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਝਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਝਾ ਲਿਆ। ਅਬ ਜੋ ਵਿਦੋ ਵਧੂ ਮੁਖਿਅਮ ਫਣੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਚਨ ਬਿਦਾਦੀ ਸੁਧਾ ਸਰੇ ਨਾਗਰਾਜ ਲੋਕਿਆਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗ ਮਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਸੱਤ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਹੀਰਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਤ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਕਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਰਦਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਵਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਾ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਹੀਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀਏ ਇਸ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਭੇਜਿਓ ਤੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਸ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ। ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭੂਤ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭੂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਜ ਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਭੂਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਾਂਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਿਆ ਸੁਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਤਾਓ ਜਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਤਖਤ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਾਂਦਾ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਾਈ ਭਾਲਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਸੱਤ ਜਾਣਿਓ
बाणी दे अनुसार जेकर पढ़िए, मैं बेनती कर रहा सी कि आठ पहर निकट कर जाना है, प्रभु का किया मीठा मन है, एक नाम संतरे आधार होए रह सब की पदशार। गुरु संत कहते ने जेडे संत दे विच गुस्सा होवे ना, गुस्सा क्रोध होवे, वो संत नहीं हो सकता। मैं बेनती करा है जिहड़ा मैं बाणा पाया ना अज तक, इस बाणे नूं कोई भी पा लवे वो अपने अगे संत लिख दिंदा। संत शब्द माफ करना, संत किसी कपड़े का नाम नहीं है, संत किसी वस्त्र का नाम नहीं है, संत नाम है कमाई का, संत नाम है बंदगी का, संत नाम है सिमरन का। तो संत जाने जरूरी नहीं कि जिन्हें चोला पाया है वह संत है। माफ करना, धर्म च रहने वाला भी एक संत हो सकता है, जिहड़ा पेंट कमीज पाता है घर में रहिंदा वह भी एक संत हो सकता है, क्योंकि संत नाम कमाई का है, संत किसी कुर्सी का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं, संत नाम ही सिमरन का है। सो ध्यान देना, आठ पहर निकट कर जाना है, प्रभु का किया मीठा मन है, एक नाम संतन आधार। ते गुरु प्यारे, संतान का आधार केवल नाम है, नाम क्यों, वह भोजन भी नाम का ही खाते हैं, वह पानी भी नाम का पीते हैं। सत जाने गुरु प्यारे, मैं वचन करके समाप्ति करा, पांच मिनट का समा मेरा रह गया है। भोजन आप नहीं छकते हैं, ध्यान ना सुनो उस वचन, भोजन असी नहीं खाते हैं, पर जिहड़ा भोजन असी खाते हैं ना, वो भोजन के नाल साडा शरीर ताकतवर होंदा, साडा शरीर बलवान होंदा। पर जिहड़ा भोजन साधु छकते ने, एक दो शब्द ने, एक है भोजन ते एक है भजन, दो शब्द ने ना, भोजन ते भजन। हुण ध्यान देना गुरु प्यारे, जिहड़ा भोजन है ते भजन, इहनां विच कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपां छकते हैं संसार का भोजन, पर जिहड़ा साधु भोजन छकते ने वो भजन रूपी भोजन छकते ने। हर नाम हमारा भोजन छत्ती प्रकार, जित खाया है हमको तृप्त पाए। आपां भोजन छकते हैं साडा शरीर बलवान हुंदा है, पर जिहड़ा भोजन साधु छकते ने महात्मा छकते ने, उन्हां दी आत्मा बलवान हुंदी है उस भोजन दे नाल। आत्मा हुण आपां भोजन छकिया की होया, इस भोजन की ताकत दे नाल असीं की करदे आ, गलत काम ही करदे आ ना। हुण भुखा बंदा ते मार तो रहा किसी नूं, रजिया बंदे मारना किसी नूं, हुण रोटी खाधी ताकत आई, तो बंदा कहता उस ताकत का मिसयूज करता है, गलत इस्तेमाल करता है। बंदा उस ताकत के नाल की कहता है, कहता मैं दूजे के मूँह में पैंदी हुई मुर्गी भी खो लवा, भाव सब कुछ खो लव, कट लव दूजे के मूँह में भी। पर जदों असी भोजन का भजन, भजन का भोजन छकांगे, नाम बाणी का भोजन भोजन छकांगे, सिमरन का भोजन छकांगे, ये कीर्तन भोजन है, ये कथा भोजन है, ये सिमरन भोजन है, नितनेम भोजन है गुरबाणी का, जदों असी ये भोजन छकांगे ना गुरु प्यारे, फिर किसी को खोना तो दूर की गल, अपना आप भी वो उत्तों वार देंगे। गज के आप सतनाम श्री वारिया ना, उन्होंने अपना आप जिहड़े तत्तियां तंगियां ते बैठे ने, जिहड़े चरकड़ियां ते चढ़े ने, जिन्होंने अपना बंध बंध कटवाया, जिन्होंने खोपड़ियां लुहाइया ने, रोजाना अरदास की याद करते, उन्होंने क्यों करते हो, क्योंकि उन्होंने अपना आप वारिया। क्यों वारिया, क्योंकि उन्होंने नाम का भोजन छकिया, नाम का। हम संसार का भोजन तुम खाओ, संसार का भोजन खाओ कि बीमार ही होता बंदा, रोगी बनना है। जे खाने शुगर वध खा ली तो दो डायबिटीज हो गई, घ्यो वध खा लिया तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जैन हार्ट की बीमारी हो जाती है। यह संसार का भोजन छक के बीमारियां पैदा होती हैं, पर जिस वेले करतार का भोजन छकोगे, गुरबाणी का भोजन छकोगे, नाम का भोजन छकोगे गुरु प्यारे, उस वेले तुसी रोगी नहीं, तुसी योगी बनोगे, योगी योगी कहाओगे। सो गुरु प्यारे, साधुआं की संगत की सफली ता ही है जेकर असी उन्होंने जीवन के उपरों, जीवन तो कुछ सीखीए कि उन्होंने किन्ना नाम जपया, किन्ना सिमरन किया गुरु प्यारे। जेकर उन्होंने जीवन के विचों तुसी एक गल भी अपने पल्ले दे नाल बन के इतों लै गए, सत जाने हो तुहाड़े लोग सुखी है पर लोग सुहेले हो जा, लोग सुखी है पर लोग सुहेले, तो जीवन गुरु प्यारे तुहाड़ा सुखी बन जाएगा। दास इतनियां तो बेनतियां करता, खेमा का जाचक है, दास के अति सत्कार जो कमाले तो शाहबाद तो भाई साहब भाई हरमन जी, मैं प्रेम दिना हरमन जी कहना, वो भी पहुँचे ने, उन्होंने भी हम मेरे ख्याल कथा का समा है। सुदास सिंगापुर तो थोड़े चरणों में गुरु प्यारे इतने पहुँचया है। सो मैं बेनती करा कि दास की लेटैसट सी डी MP3 8 घंटे की 52 बचन ज
ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। 52 ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 52 ਵਚਨਾਂ ਦੀ 325 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 325 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 52 ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ